अनन्या सिंह, आद्या त्रिपाठी, अनन्या सर न्यूमोनिया टाइफाइड। अमन गिरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। संस्कृत का पीरियड है ना बच्चे? यस। संस्कृत का है? यस सर। आप बताएं, नौशेक सिंह तो पढ़ाते हैं संस्कृत तुम लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इनाज आए नहीं तो संस्कृत में मेरे पास तो बुक नहीं है, इसलिए बुक तो पढ़ा नहीं जा सकता। अगर ग्रामर कहेंगे तो ग्रामर पढ़ाया जा सकता है, और नहीं तो हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी पढ़ाया जा सकता है। सर हिंदी पढ़ा दीजिए। हिंदी सर। ग्रामर संस्कृत ग्रामर। संस्कृत सर। हिंदी ग्रामर सर। वसंत पढ़ाइए। हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर तो लिंक तो संस्कृत का गया हुआ है तुम लोगों का। तो सर बुक तो नहीं है फिर, क्या करेंगे? मेरे पास नहीं है, लेकिन संस्कृत ग्रामर तो बिना बुक का भी पढ़ाया जा सकता है। बोलिए जैसा कहिए। सर सर संस्कृत ग्रामर ही पढ़ने सर। बस कितने लेशन तक आप पढ़ चुके हैं? कितने लेशन तक पढ़ चुके हैं सर? पढ़ाइए सर। एब्सेंट है तो सर। बुक नहीं है। बुक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कितने लेशन तक अभी आप ग्रामर पढ़ चुके हैं? कहाँ? संस्कृत की हिंदी? संस्कृत में। संस्कृत फोर सेवन। चलिए आज संस्कृत ग्रामर ही मैं बता देता हूँ, बेसिक चीजें जो हैं। सर ठीक है। सर हिंदी ग्रामर। संस्कृत व्याकरण। हिंदी ग्रामर तो छोड़ना। हिंदी ग्रामर दरअसल लिंक जो है संस्कृत का गया हुआ है ना, हिंदी कह रहे हैं बच्चे पढ़ाने। वैसे संस्कृत पे गया है वो, ये बोल रहे हैं कि हिंदी ग्रामर पढ़ाई है। हम क्या नहीं सर, ये चलो कोई बात नहीं, हिंदी ही पढ़ा देते हैं तुम लोग। जब तुम लोगों की जो इच्छा है वही। हिंदी व्याकरण की बात हम करेंगे। हिंदी व्याकरण में लेशन नंबर वचन के बाद सर संस्कृत सर लेसन नंबर 16। लेसन नंबर 16 है। 16। हाँ जी 16। हिंदी व्याकरण में 16 पार्ट 16 16 कारक विभक्ति आप पढ़ भी चुके हैं, हल भी कर चुके हैं। इस पार्ट का नाम है 16 के प्रेपर कब चले सर? नाम सर, नाम तो सर रियल सर, नाम सेकंड चैप्टर। ठीक है अब चलिए, हम जानते हैं सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में, यानी कि सर्वनाम के बारे में। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा, और संज्ञा से अब हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। यानी सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है,
संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्कर्ष, प्रताप सिंह या उत्कर्ष, दोनों में से मेरा दोस्त कौन है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम कहें मोहन संस्कृत पढ़ता है, ठीक है, मोहन संस्कृत पढ़ता है, ये क्या है? यहां पर मोहन, मोहन जो है यहां पर संज्ञा है। लेकिन इसी की जगह पर हम जो है प्रयोग अगर कर दें कि वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है, तो यहां पर ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यही बात कह भी रहा है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, यानी उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहन, आपने देखा कि मोहन जो है संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमने वह का प्रयोग कर दिया। अब इस प्रकार से यह वाक्य में वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब सर्वनाम के मुख्य रूप से छह भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप देखते हैं कि यहां पुरुषवाचक सर्वनाम से मतलब है कि जब हम कभी भी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला अगर कोई जो है हम बात करते हैं तो व्यक्ति या किसी भी प्रकार के व्यक्तियों के लिए, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और इसके तीन जो है प्रकार होते हैं। कौन कौन से ये पुरुष जो है तीन प्रकार के होते हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, ठीक है। आपने देखा कि जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है यह किसी जो पुरुष के लिए प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, और इसके जो है तीन प्रकार होते हैं। अगर हम बातें करें कि जब उत्तम पुरुष में क्या होता है कि जब हम कोई भी बात जो है अपने हम दूसरे से जब कहते हैं, यानी कि बोलने या लिखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, बोलता है या तो लिखता है, तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और इस व्हाइट बोर्ड पर लिख भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने लिए किसका प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की अगर बात हम करते हैं तो ये जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। यानी उत्तम पुरुष कौन होगा? जो या तो लिख रहा होगा या तो जो है बोल रहा होगा, है ना। तो जब दो लोग आपस में बातें करते हैं और एक केवल जो है कह रहा होता है, यानी एक केवल जो है किसी बात को जो है समझा रहा होता है या उस पर चर्चा कर रहा होता है, दूसरा केवल उसको सुन रहा होता है, तो कहने वाला यानी चर्चा करने वाला व्यक्ति जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। और जिसको वो सुना रहा है, यानी जो व्यक्ति बैठकर केवल एक श्रोता के रूप में जो है बैठा हुआ है और वह उसकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, तो वह जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम किसी
अन्य जो है व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जब कोई भी जो है इस तरह की बातें अगर आती है अन्य, तो उसमें क्या होता है, कोई भी वक्ता हो चाहे श्रोता हो, इन दोनों को छोड़ करके एक तीसरी स्थिति आती है जिस अन्य लोगों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि वह आयुष सिंह है ना, हम जब बात करते हैं कि वह फला आदमी, तो इसका मतलब हम अन्य लोगों के बारे में जो है बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं या प्रथम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके आप उदाहरण एक एक करके जो है समझ लीजिए। जैसे अगर हम कहें उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा, मैं, हम दोनों और हम सब, ठीक है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों और तुम सब। उसी तरीके से अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आएगा, वह, वे दोनों या वे सब, ठीक है। अब देखिए मुख्य रूप से इसमें इसके भी रूप होते हैं, हमने तो केवल जो है संस्कृत के अनुसार यहाँ लिख दिया है हम दोनों हम सब, यहाँ तो केवल दो ही जो है पुरुष वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, तो दोनों की बात ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन दोनों भी अगर आता है कि हम दोनों तुम दोनों, तो भी वह जिस रूप में आए, जैसे तुम दोनों तुम सब, तुमको तुमसे तुम्हारा तुमने, फिर तुम में, अगर कहीं भी इस तरह की बात आती है तो वो सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत होता है। वैसे ही यहाँ पर है कि मैं, मुझ में, मुझसे, मुझको, मेरे लिए, फिर अगर हम कहें कि मुझ पर, तो इस तरीके की जो भी जो है शब्द आएंगे वो सभी जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत होंगे। और वही अन्य पुरुष में वे, उसमें, उसने, उसको, उससे, उसमें, उसका, उसकी, उसके, तो जितना भी ये सब आते हैं शब्द, ये सभी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपने पहले देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला जो सर्वनाम होता है वह क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और इसके तीन भेद होते हैं, पहला जो होता है उत्तम पुरुष होता है, और ये उत्तम पुरुष बोलने या लिखने वाले के लिए जो है हम जिस सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। वैसे ही जो मध्यम पुरुष है वह सुनने वाले या सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में हम जो है कोई बात कह रहे होते हैं, तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा जो होता है अन्य पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष भी उसको हम बोलते हैं, तो चाहे वो बोलने वाला हो चाहे वक्ता हो, इसको छोड़ करके हम किसी अन्य के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो वह अन्य पुरुष कहलाता है या प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब दूसरा होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर, जब किसी प्रकार के निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत क,
करने वाले सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर कोई कहता है कि उस स्थान पर मत जाओ, ठीक है, उस स्थान पर मत जाओ, अगर इस तरह की बात आती है तो वहां पर जो है क्या है, उस जो शब्द है यानी जिसके लिए हमने प्रयोग किया है कि ये उस स्थान पर नहीं जाने की बात कहे, या हम ये कहते हैं कि वे सब बहुत ही ईर्ष्यालु हैं, अगर इस तरह की हम बात करते हैं तो निश्चय मतलब इसमें जो है निश्चितता हो रही है कि उस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह स्थान हम दिखाकर ये कह रहे हैं कि उस स्थान पर मत जाओ, या फला स्थान जिसका जो नाम है अमुक नाम है, तो उस स्थान को जो है ये बता रहा है कि वहां जाना मना है या नहीं जाना है। तो किसी निश्चित वस्तु या किसी व्यक्ति की ओर जब भी हम संकेत करते हैं तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई भी वस्तु हो, जब उसके तरफ हम संकेत करके कोई बात अगर कह रहे होते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जो होता है, ठीक है। और भी उदाहरण इसके जो हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि वे सब बहुत ही मूर्ख हैं, तो वे सब बहुत ही मूर्ख हैं, अगर ये बात हम कर रहे हैं तो जो वे सब इसमें आया है या ये सब आया है तो निश्चित रूप से निश्चितता को व्यक्त कर रहे हैं जो उनके बारे में कह रहे हैं। तो इसलिए ऐसे वाक्यों में आए हुए जो ये शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के की तरह जाने जाएंगे। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी भी प्रकार की निश्चितता ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी में अनिश्चय का जो भाव अगर प्रकट होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि देखो दरवाजे पर कोई शायद कोई आया है, अगर हम ऐसा कहें कि देखो अश्वनी दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है, अगर इस तरह की हम बात कर रहे हैं तो शायद की अगर हम बात करें या कोई की बात करें इसमें कि देखो कोई आया है, इसका मतलब कि हम निश्चित नहीं हैं कि वह आदमी कौन है। अगर हम कहते हैं कि शायद वर्षा होगी तो इसमें क्या है, अनिश्चितता का भाव है, कोई जरूरी नहीं कि वर्षा होगी ही या हो भी सकती है। या हम कहते हैं कि देखो उस स्थान पर कुछ रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अनिश्चित है, क्या कुछ रखा हुआ है मालूम नहीं है, ठीक है। या हम किसी को बुला के कहते हैं जय देखो फ्रिज में तुम्हारे खाने के लिए कुछ रखा है, तो इसका मतलब क्या कि उसको मालूम नहीं है कि कुछ में क्या है, ठीक है। तो एक अनिश्चय का जो है भाव है यहाँ पर, तो ऐसे शब्दों में जो है ये जो ऐसे वाक्यों में जो शब्द आते हैं इस तरह के, ये सभी जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। और ये कोई किसी कुछ किन्हीं के नाम से जो है जाने जा सकते हैं, क्योंकि इनसे कहने का यही बोध होता है कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई कुछ इसके बारे में जो है मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अनिश्चय कहते हैं क्योंकि निश्चय ही नहीं है कोई। तीसरा जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप जो है इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक जो है किसे कहते हैं, यानी जहां पर प्रश्न की बात आए, यानी कि जहां पर हम प्रश्न करने की बात जो है करते हों, या हम कह सकते हैं कि प्रश्नों की जगह जो भी जो है सर्वनाम आते हैं, ऐसे जो है सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाया, अगर हम ये बात कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हें कौन बुलाया, इसका मतलब इस वाक्य में कौन शब्द जो है क्या बता रहा है, एक प्रश्न को जो है बोध कर रहा है और वो पूछने का काम कर रहा है कि तुम्हें कौन बुलाया। तो कौन जो शब्द है ये मुख्य रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम को जो है के तरफ जो है बोध कर रहा है, एक संकेत दे रहा है। तो इसलिए हम इसको जान सकते हैं कि ऐसे जो शब्द हों जो प्रश्न जय करें, तो निश्चित रूप से यानी कि सर्वनाम के रूप में जो है वो प्रश्न करते हों, तो ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुमसे किसने कहा कि तुम वहाँ जाओ, तुमसे किसने कहा कि तुम वहाँ जाओ, तो तुमसे किसने कहा, अगर हम कह रहे हैं कि तुमसे किसने, यहाँ पर जब प्रश्न कर रहे हैं उस सर्वनाम से कि तुमसे किसने कहा, तो निश्चित रूप से यहाँ जो है प्रश्नवाचक का एक जो है बोध हो रहा है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है उससे। तो इस संदर्भ में भी हम ऐसे जो है वाक्यों में आए हुए जो शब्द हैं जो प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसे जो है शब्दों को जो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि तुम क्या लाए हो, तुम कहाँ गए, तुम कैसे आए, तुम क्या क्या लिए हो, तो तमाम जो ये शब्द हैं जो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो है बोध कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम जो है क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरा जो सर्वनाम है जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम, यानी पांचवा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप समझ रहे होंगे संबंध से ही जो है मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अन्य किसी उपवाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम है उसके साथ जब किसी सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है तो वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने का काम करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे अगर हम कहें जो मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा, ठीक है, जो मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा, यानी जो वह जिसे वह, अगर इस तरह के जो है सब आते हैं किसी वाक्य में,
तो निश्चित रूप से वो संबंध को बताते हैं, जैसे ये कह रहा है क्या, जो मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यहां पर जो उपवाक्य है, उपवाक्य कौन सा है, जैसे एक दो जो है वाक्य है इसमें, एक जो मेहनत करेगा और दूसरा वह सफलता पाएगा। इसका मतलब ये उपवाक्य है और उपवाक्यों से इनका जो है संबंध है, क्योंकि जो मेहनत करेगा वह, तो जो से और वह से क्या है, संबंध है, ठीक है। जो से और वह से संबंध को जो है यहाँ बता रहा है, ऐसे वाक्य जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, या हम कहें कि जिसे मालूम नहीं उसको कैसे समझाया जाए, या जिसे मालूम नहीं वह क्या जाने। अगर हम ये बात करते हैं कि जिसे मालूम नहीं वह क्या जाने, तो जिसे मालूम नहीं अर्थात जिसको किसी बात का जो ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति उसके बारे में क्या जानता है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अगर आता है कि जिसे मालूम नहीं वह, तो जिसे और वह जो शब्द आते हैं, जो एक उपवाक्य को बीच में जो है संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह संबंध वाचक सर्वनाम को जो है बना रहे हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सर्व संबंधवाचक सर्वनाम निश्चित रूप से जो किसी अन्य किसी उपवाक्य के अंदर प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम का जो है एक तरीके से यह संबंध स्थापित का काम करते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको संबंधवाचक कहेंगे। जैसे आप किस तरह से इसको समझते, जो जो कहने का तात्पर्य है क्या कि किसी संज्ञा के बारे में जो है कहा जा रहा है, और यहाँ वह कहने का मतलब क्या, किसी सर्वनाम के बारे में कहा जा रहा है। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो है संबंध को स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए आपस में ये जब संबंध स्थापित कर रहे हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर हम कहते हैं कि जो वहां जाएगा, तो जो वहां जाएगा मतलब किसी व्यक्ति से ही तो मतलब है, कि जो पढ़ेगा, तो जो पढ़ेगा मतलब कोई भी व्यक्ति, जो उसको जो है पढ़ेगा। यहां जैसे हमने बात किया कि जो संस्कृत पढ़ेगा वह संस्कृत में पास हो जाएगा या वो तो सफलता प्राप्त कर लेगा, तो इसका तात्पर्य क्या कि जो का मतलब किसी जो है उस संज्ञा से मतलब है, जो जिसके बारे में जो है बातें कही जा रही हैं। और वह का मतलब ये कि वह जो है सर्वनाम है, हमने ऊपर ही आपको बताया कि जब ये मोहन शब्द है और नीचे वह शब्द है, मोहन से मतलब ये संज्ञा है, और जब इसके जगह पर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से इसे हम संबंधवाचक जो है सर्वनाम कहते हैं। अब अगला जो है जिसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज से मतलब क्या होता है, अपना। निज का मतलब स्वयं का, तो जैसे आप कहते हैं कि निजी, ये हमारा निजी घर है, ये हमारा निजी नलकूप है ना, तो इसका मतलब क्या कि अपना। तो ये कह रहा है कि जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है, मतलब अपना होने का बोध कराता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि आप अपना काम स्वयं कीजिए, ठीक है, आप अपना काम स्वयं करिए, ठीक है।
तो यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो है अपनेपन का काम कर रहा है, मतलब एक दूसरे को जो है निजवाचक के रूप में यहाँ पर जो प्रयोग होने वाली चीजें हैं, तो वह जो है ये बताने का प्रयास कर रहा है कि एक तरीके से जो सर्वनाम है वो कर्ता के अपनेपन की बात कर रहा है। जैसे आप अपना काम स्वयं कीजिए, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति जो अपना होता है वही जो है कोई सलाह करता है कि आप सुबह के समय टहलिए, आप जो है अच्छे से रहिए, या तमाम तरह की बातें जो है जो करने का प्रयास करता है, जो अपनेपन का बोध होता हो, तो कह भी रहा है कि निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें जो करता है वो जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का अगर बोध कराता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्वयं वहां जाकर खरीद लूंगा, ठीक है। अगर हम इस तरह की बात करते हैं, जैसे आपको कोई अगर कह रहा हो किसी चीज को खरीदने की बात कर रहा हो और ये कह रहा है कि मैं स्वयं वहां जाकर खरीद लूंगा, या मैं स्वयं जो है चलकर यहाँ आया हूं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो अपनेपन का जो बोध है कर्ता के साथ, यानी वो संज्ञा जो है करार, वो जो है सर्वनाम करा रहा है, ठीक है। मैं स्वयं वहां जाकर खरीद लूंगा, यानी ये स्वयं से जो है मैं अपनेपन का बोध जो है कराता है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए कुछ इसके महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं, जैसे सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग मिलाकर लिखे जाते हैं। परसर्ग का मतलब आपको पहले ही हमने बताया था, परसर्ग का मतलब होता है कर्ता यानी कारक के चिन्हों को हम परसर्ग बोलते हैं। जैसे हम कर्ता ने, करण, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, ये जो चिन्ह है इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग मिलाकर लिखे जाते हैं। परसर्ग का मतलब हो गया कि हरि सभी विभक्तियों में उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर अहम, आपने संस्कृत में सुना होगा, वैसे अगर हम कहते हैं कि मुझको, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, तो ये सभी क्या है, जो परसर्ग है उसके साथ मिलकर, जो चिन्ह है उसके साथ मिलकर के अनेक जो है सर्वनाम को जो है बनाते हैं। सर्वनाम और परसर्ग के बीच ही या कोई, यानी बीच ही या कोई और स्वर आ जाए तो परसर्ग अलग लगता है। जैसे अगर हम कहें किसी ने, उन्हीं को, या इन्हीं से, तो ये लगता है कि ठीक जो है, जैसे हम कह रहे थे इन्हीं, इन्हीं से, तो इन्हीं अगर हम लिखते हैं तो इसमें क्या है कि ये लगता है कि परसर्ग जो है ठीक इससे अलग है, लेकिन है तो वही, क्योंकि ये कह भी रहा है कि ही या कोई अगर शब्द आता है तो स्वयं वह परसर्ग से जो है अलग जो है महसूस होता है। और उसी तरीके से आदर प्रकट करने के लिए हम जिन एक वचन संज्ञाओं और बहुवचन के तरह जो है हम प्रयोग में लाते हैं उनके लिए भी सर्वनाम बहुवचन में हो जाते हैं। जैसे हम एक वचन में प्रयोग करते हैं गुरुजी, अगर हम कहते हैं गुरुजी आए हैं, तो यहाँ भी जो है गुरुजी आए हैं बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। भले हम एक वचन में कह रहे हों लेकिन ये बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। कुछ लोग
मैं की जगह हम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैं वहां गया हुआ था, तो उसी को किसी ने कह दिया कि हम वहां जो है गए थे, तो मैं के जगह पर हम का भी कुछ लोग जो है प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि श्रोता को सम्मान देने के लिए आप या तुम का हम प्रयोग करते हैं। तू का प्रयोग बहुत ही अत्यधिक निकट जब कोई संबंधी होता है तो उसके लिए हम तू का प्रयोग करते हैं, निकटता दिखाने के लिए हम तू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक जो है माँ अपने पुत्र को भी कहती है, तू कहती है तुमने ऐसा किया वैसा किया, या तुम जो है समय से खाते नहीं। तो इसका मतलब क्या, माँ और बच्चे के बीच जो है बहुत ही गहरा और बहुत ही घनिष्ठ जो है एक संबंध है, एक ममता का जो संबंध है, एक पुत्र का जो संबंध है, तो ये घनिष्ठता का बोध कराता है। तो यहाँ ऐसे ही जो है चीजों को ये प्रकट कर रहा है कि तू जो है शब्द बहुत ही निकटता को जो है बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही तू या तुम का प्रयोग कहीं कहीं लोग जो है इसको अच्छा भी नहीं मानते हैं, और कहीं कहीं पर इसी का प्रयोग जो है हम आप के लिए भी करते हैं। क्योंकि हम सम्मान अगर देना होता है तो सम्मान देने के लिए हम श्रोता को जो है आपका भी प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पर हम तुम का भी प्रयोग करते हैं। तो हम देखें कहीं कहीं पर तुम का प्रयोग जो है निरादर के लिए भी किया जाता है। यानी कब, जब किसी से कोई व्यक्ति जो है बहुत ही आदर के साथ नहीं भाव रखना चाहता तो वहां पर तुम का जो है प्रयोग करता है। लेकिन जब कहीं कभी कभी जो है वो आदर का भाव जो है दिखाना चाहता है तो छोटे लोगों को भी आप कह के संबोधित करता है, ठीक है। या कहीं कहीं आप देखते हैं कि छोटे जो लोग होते हैं वो भी छोटे लोगों को भी जो है बड़े लोग आपसे जो है पुकारते हैं, तो एक जो है उनकी जो सम्मानजनक एक उनकी जो बोली होती है या उनको जो है आदर देने के लिए जो एक जो भाषा होती है उसके उसमें जो है आपका जो है प्रयोग करके और उसका संबोधन करते हैं। दूसरा कह रहा है कि आपका प्रयोग बहुत सारे रूपों में किया जाता है, जैसे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप पढ़ाई करने के लिए देवस्थली विद्यापीठ गए, या मैं आपको देखकर बहुत ही हैरान था, बहुत ही परेशान था, या हम कहें कि तुमको कितना समझाऊं लेकिन तुमको जो है समझ में नहीं आता। तो कई तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर जो हमने बात पहले बताई कि कहीं लोग जो है इसको आदर की दृष्टि से भी समझ सकते हैं, कहीं जो है निरादर की दृष्टि से भी तुमको समझ सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत भाव नहीं होता, भाव मुख्य रूप से बोलने वाले के प्रति उसके बोलने के जो आवाज है उसमें जो है देखा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति किसी तरह की ऐसी आवाज होती है तो उसके केवल हम बोलने के भाव भंगिमा से ही समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं के लिए भी कुछ रूप दिए हैं कारक विभक्तियों के अनुसार, और उसी तरीके से मध्यम पुरुष तू के लिए जो है प्रयोग किया हुआ है, कितने सारे शब्द जो है तू के लिए आते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम वह के लिए भी प्रयोग होने वाले हैं, और वैसे निश्चयवाचक सर्वनाम जो यह से जो है प्रयोग होने वाले हैं। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई किसी किसी से किसका किसकी किसको किसने, यानी कि तमाम जो है ऐसे अर्थ हैं। फिर संबंधवाचक जो सर्वनाम है जो के लिए जो है प्रयोग होता है, जिसके जिससे द्वारा जिसको जिसके लिए।